मैं स्केल से कैसे कैलकुलेट करता हूँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई, बहुत ही इजी पर थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। एक डायमंड के थोड़ा मतलब जो मिडिल वाला डायमंड है ना उससे थोड़ा बाहर, ये बहुत ही पेचीदा कैलकुलेशन है पर इजी है भाई, यकीन मानो। अच्छा टाइम कोई बात नहीं, टाइम चला गया मैं आप लोगों को दिखाने के लिए जस्ट। तो ये जो देखो स्केल से इस तरीके का होता है, अभी मेरे को एक डायमंड से थोड़ा बाहर मतलब थोड़ा ऊपर, ओके सही है 100%। इतना फोर्स मैं लेता हूँ मतलब इजी, मतलब कोई परेशानी की बात नहीं हुआ। ओके तो मैं तो मेरा हिसाब तो बोल रहा है कि जो दो डायमंड है उसके बीच में, तो फिर भी मैं कैलकुलेट कैसे करता हूँ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये भाई 3-4 साल का मेहनत है। मैं एक्चुअली एक आँख बंद करके, अच्छा ओके सही है, मेरे को ना ये जो दो डायमंड है दो डायमंड के बीच में मारना है, ये वाला माउस का जो पॉइंट है वो देखो, ये वाला और ये वाला इसके बीच में, मतलब यहाँ पे अगर मैंने हिट कर पाया तो ग्रीन बॉल उस पॉकेट में 100% जा रहा है। यही कैलकुलेशन होता है कि आपको हिटिंग पॉइंट ढूंढना है मतलब यहाँ पे, ओके। और सिंगल शॉट का कैलकुलेशन बहुत ईजी है, इस तरीके से जो है उसमें बिठा के इस तरीके से एक्चुअल में दिस इज नहीं, थोड़ा और ज़्यादा लेना पड़ेगा, ओके अब सही है। ये देखो स्मूथ शॉट, मैं इसे ही फोर्स लेता हूँ, मतलब देखो भाई कितना परफेक्टली जा रहा है, मज़ा आ रहा है ना। अच्छा ये और कौन सा अभी हम करेंगे भाई रेड को इस वाले पॉकेट में, ये जहाँ पे माउस का कर्सर दिखता है। कैलकुलेशन क्या बोलते हैं पहले एक बार देख लेता है, स्केल रेडी है हमारे पास, इस तरीके से हम स्केल को पकड़ेंगे रेड के, और थोड़ी यार स्केल छोटा पड़ रहा है क्योंकि कंप्यूटर बड़ा है, पर अंदाज यही कहता है कि ये रहा ये एक बॉल रेड बॉल, ओके रेड बॉल के ऊपर, ओके। तो देखो इतना लेट मेरा नहीं लगता कैलकुलेशन करने में, पर आप लोगों की इसके लिए दिख रहा हूँ, यहाँ पे मारूंगा यहाँ पे, मतलब दो डायमंड के बीच में अगर मैं कैसे भी करके मार दिया तो ये बॉल उस पॉकेट में जा रहा है। इतना लंबा लंबा शॉट देखने के बाद लोगों की कहाँ खुजली होती है पता नहीं, कमेंट बॉक्स में भर देता है कि भाई हैकर, ओके 99% हम सीओ की जा रहा है, थोड़ा ज़्यादा फोर्स लेना पड़ेगा इस बार, इजीली गया मज़ा आया। अभी हम खेलेंगे ना पर्पल को खेलने के लिए स्केल दो स्केल, और ये आप लोग पहले भाई मोबाइल से भी कर सकते हो स्केल ट्रिक, हम इसी तरीके से ही गेम प्ले सीखे हैं। ये ब्राउन के ऊपर से लेता हुआ ये आएगा और ये जो एंगल है ये आएगा, ये मैं इतना लेट मेरे को नहीं लगता, मैं दूर से इस तरीके से देख लेता हूँ तो मेरे को अंदाज़ा आ जाता है। तो कैलकुलेशन जो बोला वो रुको, टाइम ज़्यादा नहीं है, तो टाइम ज़्यादा कर लिया हमने और इसीलिए ऑफलाइन में आया। कैलकुलेशन जो बोलता है वो ये यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमने मार दिया तो थोड़ा नीचे, ओके तो जाएगा 100, मतलब ज़्यादा फोर्स क्योंकि ये फुल फोर्स वाला ही एंगल होता है, मतलब बहुत ही शानदार शॉट, इतना लंबा लंबा शॉट आसान तरीके से जा रहा है, समझ रहे हो भाई कितना बड़ी खिलाड़ी है हम। तो इस तरीके से आप भी बड़ा बड़ा इंडायरेक्ट शॉट आसानी से खेल सकते हो। तो बॉल हमने कौन सा बॉल खेले हमने, मेरे ख्याल से ब्लू खेलते हैं, ये जो ब्लू है, अरे यार टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं टाइम हम बना लेंगे टाइम हम, देखो मेरा कैलकुलेशन यही बोलता है ये और मीडियम फोर्स। स्केल बिठा के हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि स्केल ही सब कुछ होता है, हम क्या बोले भाई साहब, थोड़ा नीचे, ओके एकदम परफेक्टली किया है, स्केल बोल रहा है थोड़ा ऊपर और शॉट जो है थोड़ा स्लो, मैं कोई बात नहीं भाई साहब कोई बात नहीं, पर आप लोगों के दिखाने के चक्कर में ये शॉट मिस हुआ, ज्यादातर मेरे से शॉट मिस नहीं होता, कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं, ये तो बच्चे का शॉट है। अच्छा ये तो अच्छा ये दिया है,
एक डबल खेल लेते हैं मीडियम फोर्स के साथ, मजा आ गया। और क्या है, अच्छा हम ना रेड को खेलते हैं, ये जो रेड है ठीक है, रेड को खेलते हैं इस नीचे वाले ये पॉकेट में। तो इसके लिए कैलकुलेशन मेरा यही बोलता है कि ये जो मिडिल वाला डायमंड है ना, इसके ऊपर, इसके थोड़ा सा ऊपर, ये मेरा कैलकुलेशन बोल रहा है। स्केल क्या बोलते हैं हम, स्केल बड़ी, स्केल छोटा पड़ रहा है क्योंकि हमारा जो बीटा है उसने स्केल तोड़ दिया भाई साहब, क्यों? तो अच्छा टाइम जाने दो, कैलकुलेशन देख लेते हैं सही है क्या, मैंने जो कैलकुलेट किया वो सही है क्या। परफेक्ट, मैंने जो बताया वही है। पर अभी आएगा मजा, हम करेंगे इस डायमंड के थोड़ा ऊपर यहाँ पे, पर हम जब लाइव स्ट्रीम करते हैं ना तब इस तरीके से नहीं देखते क्योंकि भाई हमारा अंदाज हो गया, पर आप लोगों को दिखाने के लिए ये मीडियम फोर्स से थोड़ा ज़्यादा में जाएगा, इतना इतना फोर्स। चलो ब्लैक को टच कर दिया, मतलब हक दिया हमने ना, कभी कभी हक देते हैं भाई साहब हम। अभी तो ब्लैक नहीं है, अभी ब्लू को पॉट करके दिखाओ लेंगे क्योंकि और कुछ नहीं है। तो हमारा कैलकुलेशन जो बोलता है वो है टू डायमंड के थोड़ा बाहर के पांच पे पांच। ओके भाई साहब, चलो ये शॉट जाना चाहिए पर पता नहीं क्या होगा, ये तो जाना चाहिए अब मीडियम फोर्स से थोड़ा ज्यादा, ये रहा बहुत ही शानदार, पर टच हो गया, पर कोई बात नहीं गया ना। और मेरा कैलकुलेशन बोल रहा है एक डायमंड के थोड़ा, मतलब मिडिल वाला जो डायमंड है ना उससे थोड़ा बाहर यहाँ पे मारूंगा तो इंशाल्लाह ये बॉल जाएगा, पता नहीं भाई साहब। पर अच्छा स्केल क्यों बिठा रहा हूँ मैं, आंखों के अंदाज से खेलूंगा ना, आप लोगों को दिखा दिया किस तरीके से हम एंगल बनाते हो। ओके एंगल कम हो गया, फोर्स थोड़ा कम, नाइसली शॉट बट मिसिंग। एक्चुअली मिस क्यों है, क्योंकि हम जहाँ पे बैठे हैं लैपटॉप को हमने घुमा दिया, हम देखो भाई इस तरीके के बैठे, इधर बैठे हैं हम, मतलब यहाँ पे लैपटॉप ख़त्म हो रहा है और हम बैठे हैं राइट साइड पे, थोड़ा एंगल का डिसएडवांटेज मिल रहा है हमको जो कि सही बात नहीं है, सही बात भी है सही बात भी नहीं। ओके भाई, तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम खेलते हैं। तो मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ, मतलब ये तो आप लोगों को दो चार शॉट दिखा दिया, अभी कैलकुलेशन कैसा होता है दिखाता हूँ। मेन मेन्यू, ये मेरा आईडी है, एक बंदे से खरीदा हुआ। ओके ओके रुक जा बेटा, इनडायरेक्ट शॉट जैसे कि रेड। ओके ये जो नॉर्मल सा रेड है ठीक है, तो स्केल को देखो पहले, स्केल अगर आप लोग स्केल या कुछ भी लेके खेलते हो तो स्केल दो स्केल लगेगा आपका इस तरीके से, दो स्केल, और एक को ना ऐसे बॉल के बीच में रखना होगा इस तरीके से। देखो मैं सिर्फ ऐसे करके कर रहा था, आप लोगों को दिखाने के लिए इतना ज़्यादा कर रहा हूँ ये ठीक है। मैं इस तरीके से रेड को खेलना है तो इस तरीके से एंगल बना लेता है, देखो अभी पूरा मोबाइल लैपटॉप के ऊपर हो तो ये मतलब बॉल लगेगा यहाँ पे, यहाँ पे लगेगा तो 100% जाएगा ठीक है। इस तरीके से मैं जस्ट ऐसे पकड़ के रेड के ऊपर रख के एंगल इस तरीके से हटा के, हाँ ऐसा। अगर मान लो कि ग्रीन को इस पॉकेट में खेलना है तो थोड़ा घुमा लेंगे, टाइम ज़्यादा नहीं है ऐसा सोचेंगे, ऐसा करेंगे ग्रीन के ऊपर रखेंगे ये बॉल थोड़ा हटाएंगे ये, तो इसका मतलब यहाँ पे, मतलब पूरा परफेक्टली अगर इस डायमंड से थोड़ा बाहर मारेंगे तो इस पॉकेट में ग्रीन बॉल आएगा। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो एग्जैक्ट तरीका क्या, तो एग्जैक्ट तरीका यही है कि इस तरीके से स्केल को पकड़ो, दो स्केल छोटा छोटा लेना, ये जो कॉर्नर बन रहा है ना दिख रहा है आप लोगों को, ये जो दो जहाँ पे ये होता है एंगल, इससे आप 60 डिग्री 360 डिग्री 200 डिग्री 50 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी बना सकते हो, इसका ये एडवांटेज आप लोगों को लेना है ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है जो दोनों जुड़ा हुआ है इसके, ये पॉइंट जो है ये कर्सर के थोड़ा नीचे रहना चाहिए ठीक है, इतना नीचे। बॉल का जो साइज है उस हिसाब से उसका हाफ ये बनता है, बॉल का हाफ, क्योंकि बॉल तो टकराएगा ना, तो जो भी हो हाफ, तो यहाँ पे हर बार आप लोगों को लेना है वो जहाँ पे मीट हो रहा है ये दो कॉर्नर, ये वाला आपको कहाँ पे फिट करना है यहाँ पे। पहले ऑफलाइन में बहुत प्रैक्टिस करो, उसके बाद ऐसा हो जाएगा, आप कोई भी बॉल खेलोगे इस तरीके से बिठाओगे जस्ट अंदाज, और इस तरीके से ऐसा ऐसा घुमाओगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा, पर टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके यहाँ पे करना है तो
जो मीट हो रहा था यहाँ पे, इस तरफ हो तो यहाँ पे, इस तरफ हो तो ये, मतलब थोड़ा छोड़ के, ठीक है। तो रियल के लिए कैसे बनाए, पहले आप इस तरीके से पकड़ लो, इस तरीके से पकड़ लिया, कॉर्नर जो है मैंने क्या बोला था, कॉर्नर को थोड़ा नीचे इस तरीके से पकड़ो, मोबाइल के ऊपर रखो, और ये जो स्केल है रेड के बीच में, और ये जो स्केल है अपने उंगली की मतलब हाथों की ताकत से थोड़ा स्केल ज़्यादा बड़ा हो गया। हाँ इस तरीके से देखो, समझ पा रहे हो क्या भाई, रेड के ऊपर रहेगा, पॉकेट के ऊपर रहेगा, और ये जो एंगल बन रहा है वो रहेगा ये, तो पॉइंट जो बन रहा है ये, मतलब हमको कैसे भी करके यहाँ पे मारना है ये, और फोर्स जो है ये मीडियम फोर्स वाला शॉट होता है हमेशा। ये साला चू गाली नहीं देंगे भाई, ये ट्यूटोरियल है, पर इस तरीके से ही एंगल काउंट होता है, ठीक है। तो भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिस। ये तो सिंगल इनडायरेक्ट शॉट की हो गया, डबल की वीडियो बनाने में फट जाएगा हमारा, बहुत टाइम लग जाएगा इसीलिए। तो इसको कैसे खेलना है, इसको मैं करता हूँ फटाक से। अरे स्किल बड़ा पड़ गया भाई, इस तरीके से हमने ये मिड पॉइंट बना लिया, मिड पॉइंट को हमने रख दिया थोड़ा नीचे, और तो पॉइंट जो बन रहा है ये एक डायमंड, पहले ही मैंने बोल दिया था कि एक डायमंड थोड़ा कम, यस एक डायमंड, ये नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा हो गया, एक डायमंड थोड़ा कम बोला था मैंने, एक डायमंड बना। तो जो भी हो भाई साहब, अगर आप लोग समझ गए होंगे तो बहुत बढ़िया, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करना, इंशाल्लाह आपका